so welcome back children to the third part of the chapter the name of the chapter is fun with paint so as i told you um, sorry taught you in the last videos there are four tools the first one is a rectangle tool second one is a oval tool and the third one is a straight line tool and the fourth one is a eraser tool

सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स यू कैन फिल योर कलर इन योर ऑब्जेक्ट ओके सो चिल्ड्रेन लुक एट दिस वन फर्स्ट टू फिल एन ऑब्जेक्ट विथ एनी कलर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फिल करना है कलर से तो आपको क्या करना होगा फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फिल विथ कलर टूल इन द टूल ग्रुप अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल मिलते हैं टूल ग्रुप पे तो वहाँ पे आपको एक और टूल मिलता है जिसका नाम है फिल विथ कलर वो कलर ऐसे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिससे आपको कलर गिरते हुए दिखेगा दिस इज़ द ये एक पेंट बॉक्स है जिसमें पेंट कलर दिए हुए हैं अब और वो कलर वहाँ से गिर रहा है दैट मीन्स कि अब आपको पेंट करना है यानी कि कलर करना है तो इस कलर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे जो कि आपको टूल ग्रुप पे अवेलेबल मिलेगा सो दिस इज़ द टूल ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हो ये टूल ग्रुप लिखा हुआ है दिस इज योर इरेजर दिस इज योर पेंसिल दिस इज़ योर फिल विथ कलर तो आप इस कलर टूल uh, को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन सेलेक्ट द कलर ऑफ़ योर चॉइस उसके बाद अपने कलर्स चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है किस कलर से आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है ओके देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू फिल उसके बाद आप अपने ड्राइंग एरिया पे आओगे ठीक है अपने माउस को उस ऑब्जेक्ट पे रखिए जहाँ पे भी आपको कलर फिल करना है ठीक है नाउ क्लिक द लेफ्ट लेफ्ट माउस बटन एंड द कलर विल बी फिल्ड इन द ऑब्जेक्ट आपने सबसे पहले क्या किया टूल ग्रुप से आपने कलर फिल विथ कलर टूल ऑप्शन सेलेक्ट किया देन अपना फेवरेट कलर चूज किया फिर आप अपने ड्राइंग एरिया पे आके जहाँ पे भी आपने पिक्चर ड्रॉ करी है उस ड्रॉ सेक्शन पे जाने के बाद आप एक सिंगल क्लिक करोगे तो जो आपका कलर है वो उस ड्राइंग एरिया में फिल हो जाएगा जस्ट लाइक दैट ये वाला जो पार्ट था इन्होंने इसमें रेड कर दिया है और जो अंदर पार्ट था उसमें येलो कर दिया है तो ये आप अपने फेवरेट कलर के चूज से कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट दैट हाउ टू फिलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कलर ओके सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग आप इसको अपने फेवरेट कलर से खेल सकते हैं ठीक है इट्स जस्ट अ गेम आप अपने फेवरेट फेवरेट कलर्स उठाइए और अपने अपने ड्रॉ को ड्राॅइंग को अच्छे से कलर कर दीजिए ठीक है ओके नाउ कम टू ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज सेलेक्टिंग द ब्रशेस टूल ओके सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक सो हाउ टू यूज ब्रशेस इन योर पेंट सेक्शन ओके सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ब्रश टूल ये आपको ब्रश टूल दिख रहा है दिस इज़ योर ब्रश टूल ओके सो चिल्ड्रन जस्ट लुक एट दिस इमेज ठीक है ये आपको ब्रश टूल दिख रहा है ठीक है अब आप यहाँ से ब्रश टूल पे क्लिक करोगे देन व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द ऑप्शंस आप अपने जो ब्रशेस हैं उसमें बहुत तरीके के टाइप्स दिए हुए हैं ठीक है थीके? आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है देन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप उसके बाद अपने जो कलर्स हैं जिस कलर का आपको ब्रश करना है वो कलर चूज करिए एंड देन नेक्स्ट इज़ मूव द पॉइंटर टू द ड्राॅइंग एरिया फिर आप अपने ड्राॅइंग एरिया पर वापस आ जाइए ठीक है ड्राइंग एरिया पे आप जैसे जैसे ब्रशेस चूज़ करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में ब्रशेस दिए हुए हैं उन्हें चूज करते जाइए और कलर चूज़ करते जाइए और अपने ड्राइंग एरिया पे आके उस ब्रश का यूज़ करिए ठीक है सो so नाउ अब यूज़ कैसे करना है जस्ट एंड जस्ट सिंपली प्रेस एंड होल्ड द माउस बटन ओके एंड ट्रैक द माउस ऑन द ड्राॅइंग एरिया आप अपने ड्राइंग एरिया पे उस माउस को ड्रैग ड्रैग करेंगे जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे यो ब्रशेस क्या करते हैं आपके ड्राइंग एरिया पे लाइंस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइंस ड्रॉ होने स्टार्ट हो जाएगी सो चिल्ड्रेन दिस इज योर ब्रशेस टूल विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर आप अपने कलर्स भी उसी से बना सकते हैं कलर ड्राॅइंग से कलर सॉरी ब्रश टूल से आप ड्राॅइंग बना सकते हैं एंड फिल विथ ऑब्जेक्ट से अपने ड्राॅइंग में कलर फिल कर सकते हैं सो आई होप दिस इज़ वेरी सिम्पल एंड आप सबको समझ में आ गया होगा सो चिल्ड्रेन स्टार्ट रीडिंग from the first paragraph of this chapter and this is your last video and the ending of the chapter so thank you and have a nice day your chapter has been fit uh, your chapter is now finished and complete so keep steady and thank you so much